ପଢ଼ଉଛି ମୁଁ ହେଲେ वेलकम टू बानिक यूट्यूब चैनल। मैं रुपेश कुमार सिंह अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं बानिक के स्मार्ट प्लेटफॉर्म में, जहां पे आज हम क्या करने वाले हैं तो हम एक इंपॉर्टेंट वीडियो के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज यू कैन से दैट द पद्म अवार्ड। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है पद्मा अवार्ड्स के ऊपर। रिसेंटली आपको पता होगा कि पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है बहुत सारे लोगों को, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो पद्मा अवार्ड्स है वो क्यों दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है, और इस बार जो 26 जनवरी है 26 जनवरी में पद्मा अवार्ड से किसको किसको सम्मानित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका। देखिए जो पद्मा अवार्ड्स होता है, पहली बात तो जान लीजिए तीन कैटेगरी में होती है। पद्मा अवार्ड्स तीन कैटेगरी में दिया जाता है। एक होता है आपका, याद रखिएगा, पद्म विभूषण, एक होता है आपका पद्म विभूषण, एक होता है आपका पद्म भूषण और एक होता है आपका पद्मश्री। तीन कैटेगरी में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कैटेगरी में दिया जाता है, और बहुत सारे फील्ड में दिया जाता है, जैसे कि आपका आर्ट हो गया, सोशल वर्क हो गया आपका, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस एक्सेट्रा। तो आप लोग बोल सकते हो ये जो अवार्ड्स होती हैं सारे फील्ड के लिए आपके दिए जाती हैं। कौन सी अवार्ड? ये जो आपकी पद्मा अवार्ड होती है, तीन कैटेगरी में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। समझ में आ गया आपका, तीन कैटेगरी में आपका अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो याद रखिएगा, दीज अवार्ड आर कंफर्म बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द क्रेमोनियल फंक्शन विच वाज हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन, यूजुअली अराउंड मार्च अप्रैल एवरी ईयर। देखिए इसका जो अनाउंसमेंट होता है, ये अनाउंसमेंट किया जाता है जनवरी 26 के आसपास किया जाता है, जनवरी 26 में इसका अनाउंसमेंट किया जाता है, और इसको जो अवार्ड दिया जाता है ये कब दिया जाता है तो मार्च और अप्रैल का जो महीना होता है, राष्ट्रपति भवन में बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन के द्वारा क्या किया जाता है, ये अवार्ड आपका दिया जाता है। क्लियर? राष्ट्रपति भवन के द्वारा क्या किया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है। क्लियर हो गया आपका। दिस ईयर अगर बात किया जाए, इस साल का बात किया जाए तो ये साल आपका देखा जाए तो 128 पद्मा अवार्ड दिया गया है, 128 पद्मा अवार्ड दिया गया है इस साल, जिसमें से क्या है, दो आपका ड्यू केस है। ड्यू केस मतलब क्या, दो ड्यू केस हैं उसमें से आपका चार पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 107 क्या है आपका पद्मश्री है। क्लियर हो गया आपका। याद रखिएगा जितना भी अवार्ड दिया गया है उसमें से चार क्या है आपके पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 107 क्या दिया गया आपका पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। इसमें से याद रखिएगा 34 अवार्ड आर ओमेन एंड द लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड द 10 पर्सन फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरनर्स, एनआरआई, पीओ, आईसी एंड 13 पोस्टमस अवार्ड। याद रखिएगा टोटल जो अवार्ड दिया गया है, टोटल अवार्ड जो दिया गया है उसमें से याद रखिएगा जो 34 महिलाओं, टोटल जो अवार्ड दिया गया है वो आपका 128 लोग को दिया गया है, जिसमें से याद रखिएगा चार पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण और 107 क्या है आपके पद्मश्री है। उसमें से याद रखिएगा 34 अवार्ड मिला है महिलाओं को दिया गया है और 10 पर्सन मिले हैं क्या जिनको फॉरनर एनआरआई, उनमें से 10 लोगों को है और 13 लोगों को क्या दिया गया है मरणोपरांत क्या दिया गया है, यह पद्म अवार्ड दिया गया है। तो मैं एक एक करके सबका नाम बताऊंगा किसको किसको अवार्ड मिला है और कौन कौन से फील्ड के लिए यह अवार्ड मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका। देखिए सबसे पहले पद्म विभूषण, पद्म विभूषण याद रखिएगा चार लोगों को मिला है, पद्म विभूषण आपके चार लोगों को मिला है, कौन कौन से, तो एक हो गई आपकी मिस प्रभा आत्रे, आठ के लिए मिला है, स्टेट हो गया इनका महाराष्ट्र। नेक्स्ट हो गया श्री राधे श्याम खेमका, श्री राधे श्याम खेमका जिसको लिटरेचर एजुकेशन के लिए मिला है, स्टेट हो गया उनका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हो गया जनरल बिपिन रावत, आपको पता होगा हमारे इंडिया के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जिनका दुखद निधन हो गया, तो सिविल सर्विस के लिए उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। और श्री कल्याण सिंह पस्तुमसली जो कि पब्लिक अफेयर्स के लिए है वो भी बिलोंग करते हैं आपका उत्तर प्रदेश। तो ये चार लोगों को मिला है क्या पद्म विभूषण। क्लियर? भारत रत्न के बाद दूसरा जो सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है वो होता है याद रखिएगा पद्म विभूषण का। क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट हो गया आपका पद्म भूषण, तो पद्म भूषण आपका याद रखिएगा 17 लोगों को मिला है, कौन कौन से,
श्री गुलाम नबी आजाद पब्लिक अफेयर्स जम्मू एंड कश्मीर, श्री विक्टोर बनर्जी आर्ट वेस्ट बंगाल, मिस गुरमीत बावा आर्ट पंजाब, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य पब्लिक अफेयर्स वेस्ट बंगाल। उसके बाद किस को मिला है देखिए, श्री नटराजन चंद्रशेखर ट्रेड एंड इंडस्ट्री महाराष्ट्र। नेक्स्ट वन इज श्री कृष्ण एल्ला एंड श्रीमती सुचित्रा एल्ला ड्यू, दोनों को मिला है ट्रेड इंडस्ट्री के लिए, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। मिस मधुर जाफरी अदर क्लोनली यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से हैं, ये बिलोंग करते हैं, एनआरआई फॉरेनर बताया गया था आपको, 10 लोगों को मिला है। श्री देवानंद झाझरिया स्पोर्ट्स राजस्थान, श्री राशिद खान आर्ट उत्तर प्रदेश, श्री राजीव महर्षि सिविल सर्विस राजस्थान। क्लियर हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो श्री सत्य नारायण नंडेला ट्रेड एंड इंडस्ट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, श्री सुदर्शन पिचाई ट्रेड इंडस्ट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट श्री साइरस पुनेवाला ट्रेड इंडस्ट्री महाराष्ट्र, श्री संजय राजरामम साइंस एंड इंजीनियरिंग मेक्सिको, मिस प्रतिभा राय लिटरेचर एजुकेशन ओडिशा से बिलोंग करती है, यज्ञेशनी के लिए मिला है, क्वेश्चन पूछा था आपका ये। स्वामी सचिदानंद लिटरेचर एंड एजुकेशन गुजरात, श्री वशिष्ठ त्रिपाठी लिटरेचर एजुकेशन उत्तर प्रदेश। क्लियर हो गया आपका, तो ये लोगों को मिला था क्या, ये सारे के सारे आपका पद्म विभूषण और पद्म भूषण। नेक्स्ट आते हैं पद्मश्री, पद्मश्री 107 लोग को मिला, मैं उनका नाम बता रहा हूं कल, ठीक है, इतना का नाम याद रखो कल। श्री प्रहलाद राय अग्रवाल मैं नाम कल बता दे रहा हूं इनका, श्री प्रहलाद राय अग्रवाल वेस्ट बंगाल, प्रोफेसर नजमा अख्तर लिटरेचर एजुकेशन दिल्ली, श्री सुमित अंटिल स्पोर्ट्स हरियाणा, श्री टी शंकर राव लिटरेचर एजुकेशन नागालैंड, मिस कमिलनी अस्थना एंड मिस नालिनी अस्थाना आर्ट उत्तर प्रदेश, श्री सुबन्ना अयप्पन साइंस इंजीनियरिंग कर्नाटका, श्री जेके बजाज लिटरेचर एजुकेशन दिल्ली। नेक्स्ट श्रीपी बाल सुब्रमण्यम लिटरेचर एंड एजुकेशन तमिलनाडु, श्रीमद बाबा बालिया सोशल वर्कर ओडिशा से है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। मिस संगमित्रा बंदोपाध्याय साइंस एंड इंजीनियरिंग वेस्ट बंगाल, मिस माधुरी बर्तवाला आर्ट उत्तराखंड, श्री अंके असर अली बसरात लिटरेचर एजुकेशन लद्दाख, श्री हिमामत्रो बवास्कर मेडिसिन महाराष्ट्र। नेक्स्ट श्री हरमोविंदर सिंह बेदी लिटरेचर एजुकेशन पंजाब। क्लियर, सब सारे के सारे क्या है, 107 आपके पद्मश्री हैं। क्लियर, नेक्स्ट श्री प्रमोद भागवत स्पोर्ट्स ओडिशा, प्रमोद भागवत आपको पता होगा बैडमिंटन में उन्होंने पाया था आपका, बैडमिंटन में आपका टोक्यो पैरालंपिक में उन्होंने क्या जीता था आपका, गोल्ड मेडल जीता था। क्लियर, SL3 कैटेगरी में, तो उनको भी मिला है क्या आपका, इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। श्री एस बलेश तमिलनाडु, उसके बाद श्री खांडू वांगचू भूटिया सिक्किम, श्री मारिया क्रिस्टोपर पोलैंड, आचार्य चंद्रन जी बिहार, मिस सलोचना चौहान महाराष्ट्र, श्री नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो हरियाणा, मिस शकुंतला चौधरी आसाम। नेक्स्ट श्री शंकर नारायण मेनन केरला, श्री एस दामोदरन सोशल वर्क तमिलनाडु, श्री फैसल अली दार स्पोर्ट्स जम्मू एंड कश्मीर, श्री जगजीत सिंह दार्दी ट्रेड इंडस्ट्री चंडीगढ़, डॉक्टर प्रोकार दास गुप्ता मेडिसिन यूनाइटेड किंगडम, श्री आदित्य प्रसाद दास साइंस एंड इंजीनियरिंग ओडिशा साइंस इंजीनियरिंग, याद रखिएगा आदित्य प्रसाद दास, डॉक्टर ललिता देसाई मेडिसिन गुजरात। नेक्स्ट श्री मैजली भाई देसाई पब्लिक अफेयर्स गुजरात, मिस बसंती देवी सोशल वर्क उत्तराखंड, मिस लियोनम्बम बिनो देवी आर्ट मणिपुर, मिस मुक्ता मणि देवी ट्रेड इंडस्ट्री मणिपुर, मिस श्याम मानी देवी आर्ट ओडिशा का आपका इंपोर्टेंट है, ठीक है। श्री खलील लिटरेचर एंड एजुकेशन गुजरात, श्री सावाजी भाई ढोलकिया सोशल वर्क गुजरात, श्री अर्जुन सिंह धोरवे आर्ट मध्य प्रदेश। नेक्स्ट
डॉक्टर विजय कुमार विनायक डोंगरे मेडिसिन महाराष्ट्र, श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी आर्ट राजस्थान, श्री धनेश्वर इंगाटे लिटरेचर एजुकेशन आसाम, श्री ओम प्रकाश गांधी सोशल वर्क हरियाणा, श्री नरसिम्हा राव लिटरेचर एजुकेशन आंध्र प्रदेश, श्री गिरधारी राम लिटरेचर एजुकेशन झारखंड, बहुत सारे लोग को 107 लोगों को मिला है, ठीक है, बहुत बड़ा लंबा नाम है ये। श्री साईबाल गुप्ता लिटरेचर एजुकेशन बिहार, श्री नरसिंह प्रसाद गुरु लिटरेचर एजुकेशन ओडिशा, नेक्स्ट श्री गोसवदी शेख हसन आर्ट आंध्र प्रदेश, श्री रियोको हीरा ट्रेड इंडस्ट्री जापान, मिस सुषुमा आईपी अदर एनिमल हस्बेंडरी केरला, श्री अवध किशोर जादिया लिटरेचर एजुकेशन मध्य प्रदेश, मिस सोकर जनकी आर्ट तमिलनाडु, नेक्स्ट मिस तारा जौहर लिटरेचर एजुकेशन दिल्ली, मिस वंदना कटारिया स्पोर्ट्स उत्तराखंड, श्री एच आर केशव मूर्ति आर्ट कर्नाटका, श्री रुटोगर क्यूनोस्ट लिटरेचर एंड एजुकेशन आयरलैंड, श्री पी नारायण कुरु लिटरेचर एंड एजुकेशन केरला, मिस अवनी लाखरा स्पोर्ट्स राजस्थान, श्री मोतीलाल मदन साइंस एंड इंजीनियरिंग हरियाणा, शिवनाथ मिश्रा आर्ट उत्तर प्रदेश, डॉक्टर नारायण नरेंद्र प्रसाद मिश्रा मेडिसिन मध्य प्रदेश, श्री दर्शन मुगलिया आर्ट तेलंगाना, श्री गुरु प्रसाद महापात्र सिविल सर्विस दिल्ली, पोस्टमसली याद रखिएगा पोस्टमसली मरणोपरांत उनको मिला है, ठीक है, श्री थवली कोंगापट्टू एवी मुलगन ऑब्वियसली कोई तमिलनाडु साइड का होगा आर्ट पांडुचेरी, देखिए मिस आर मुत्तु कनाकमल नाम थोड़ा देखिएगा, ठीक है, आर्ट तमिलनाडु, श्री अब्दुल खेदर अदर ग्रासरूट इनोवेशन कर्नाटका, नेक्स्ट श्री अमाई मगलियान नायक अदर एग्रीकल्चर कर्नाटका, श्री तेसरिंग नमग्याल आर्ट लद्दाख, श्री ए के सी नटराजन आर्ट तमिलनाडु, श्री बी एल नागका लिटरेचर एजुकेशन मिजोरम, श्री सोनू निगम आर्ट महाराष्ट्र, सोनू निगम सिंगर जो है, श्री राम साहेब पांडे आर्ट मध्य प्रदेश, श्री चिरापट प्रादोपिद्या लिटरेचर एंड एजुकेशन थाईलैंड से बिलोंग करते हैं ये, मिस केवी रबिया सोशल वर्क केरला, श्री अनिल कुमार राजवंशी साइंस एंड इंजीनियरिंग महाराष्ट्र, श्री शीश राम आर्ट उत्तर प्रदेश, श्री रामचंद्र आर्ट तेलंगाना, डॉक्टर शंकर वेंकट अंदरिया राव मेडिसिन आंध्र प्रदेश, मिस गमती रमील बेन राय सिंह भाई सोशल वर्क गुजरात, मिस पद्मजा रेड्डी आर्ट तेलंगाना, गुरु टुलकु अदर स्पिरिचुअलिज्म अरुणाचल प्रदेश, श्री ब्रह्मानंद स्पोर्ट्स गोवा, श्री विद्यानंद सेरक लिटरेचर एजुकेशन हिमाचल प्रदेश, श्री कलीपड़ा सरेन लिटरेचर एजुकेशन वेस्ट बंगाल, डॉक्टर वीरा स्वामी मेडिसिन तमिलनाडु, मिस प्रभाबेन सहा सोशल वार दादा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, श्री दिलीप सहानी लिटरेचर एजुकेशन दिल्ली, श्री रामदयाल शर्मा आर्ट राजस्थान, श्री विश्वमूर्ति शास्त्री लिटरेचर एजुकेशन जम्मू एंड कश्मीर, मिस ततैना लवोना लिटरेचर एजुकेशन रसिया, श्री सिद्धालिंग लिटरेचर एजुकेशन कर्नाटका, श्री काजी सिंह आर्ट वेस्ट बंगाल, श्री कोनसाम इम्बोचा सिंह आर्ट मणिपुर, श्री प्रेम सिंह सोशल वर्क पंजाब, श्री सेठ पाल सिंह अदर एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश, मिस विद्या बिंदु सिंह लिटरेचर एजुकेशन उत्तर प्रदेश, बाबा इकबाल सिंह जी सोशल वर्क पंजाब, डॉक्टर भीमसेन सिंगल मेडिसिन महाराष्ट्र, श्री शिवानंद अदर योगा उत्तर प्रदेश, श्री अजय कुमार सोनकार साइंस एंड इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश, मिस अजीता श्रीवास्तव आर्ट उत्तर प्रदेश, सदगुरु ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामी अदर स्पिरिचुअलिज्म गोवा, डॉक्टर बालाजी थांबे मेडिसिन महाराष्ट्र पोस्टमसली, श्री रघुवेंद्र तनवार लिटरेचर एजुकेशन हरियाणा, डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी मेडिसिन उत्तर प्रदेश, मिस ललिता वकील आर्ट हिमाचल प्रदेश, मिस दुर्गा बाई व्यायाम आर्ट मध्य प्रदेश, श्री जयंत कुमार मगन लाल व्यास साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुजरात, एंड मिस बदापालीन वार लिटरेचर एजुकेशन मेघालय। होप ये जो वीडियो आपको हेल्प करेगा किसी भी एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।